हेलो डियर फ्रेंड्स डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दिस वीडियो इज समथिंग विच आई वांटेड टू कन्वे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देर सेल्फ कॉन्फिडेंस डिटोरिएशन दैट वुड बी हैपनिंग इनसाइड यू। आपको कई बार लग रहा होगा कि आपसे नहीं होगा चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बीट आर बी बीट यू पी एस सी बीट यानी स्टेट पी Point being, the nervousness starts actually one or two months before the examination, and then our productivity decreases as with the nervousness. I have few suggestions to you, though some of them will be repetitive. However, repeating the things that actually work, in my opinion, should be repeated. First of all, do not panic. If you panic, you will not succeed. इफ यू डोंट पैनिक यू हैव ए चांस टू सक्सिड बट इफ़ यू पैनिक यू वॉन्ट सक्सिड सिंपल सी बात है नंबर टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स डोंट ट्राई टू वर्क आउट योर वीकनेस ट्राई टू स्ट्रेंदन योर स्ट्रेंथ एंड इफ यू कैन वीकन योर वीकनेस इट गुड लेकिन अपना स्ट्रेंथ को पहचानिए डू यू गेट गुड मार्क्स इन स्टैटिक पोर्शन डू यू गेट गुड मार्क्स इन करंट अफेयर पोर्शन फॉर मी स्टार्टिंग पोर्सन वॉज वेरी डिफिकल्ट इन एनी एग्जाम आई यूज टू रिलाई ऑन करेंट अफेयर सो आप उस चीज को पहचाने और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें नंबर थ्री देयर हैज टू बी ए टाइम विच हैजू बी गिवन टू लर्न थिंग्स डोंट कीप ऑन रीडिंग ट्राई टू नाउ कॉन्सोलिडेट थिंग्स इन योर मेमोरी धीरे धीरे शुरू करिए हर दिन अगर आप मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं तीन चार घंटा ट्राई टू कीप एट लीस्ट एन आवर फॉर रिवाइजिंग थिंग्स जो आपने पढ़ा उस रात तक आपके पास रिवाइज होना चाहिए इट शुड नॉट बी द केस कि यू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट सीस यू कुड नॉट रिवाइज सो मेनी ऑफ देम योअर प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो एज एन एग्जाम्पल यू रीड अबाउट एटी परसेंट थिंग्स बट इफ यू ओनली रिकॉल अबाउट फोर्टी परसेंट थिंग्स इज मोर पैथेटिक देन रीडिंग ओनली सिक्सटी परसेंट एंड रिकॉलिंग फिफ्टी परसेंट इन एग्जाम नंबर फोर do not think if you are getting 80 or 70 marks in any test series you won't be able to make it there are numerous examples of people who were getting about 120 130 in test series and they were not able to clear the prelims this generally happens the reason being you have the importance of test series does not lie in getting good marks it lie in understanding

उसके क्वेश्चन को देखिए उसके ऑप्शन को देखिए ऑप्शन को गूगल करिए विकीपीडिया पर देखिए और उसके नोट्स को बना के रखिए देर इज ए लार्ज चांस यूपीएससी ट्राइज टू चेंज द ऑप्शन टू क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर एंड यू नेवर नो देअर मे बी ए क्वेश्चन दैट इज आज विच वॉज आज एज एन ऑप्शन लास्ट ईयर नंबर सिक्स यू हैव टू ओनली गेट अबाउट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन प्रीलिम्स

थिंग्स फॉर प्रिलियम्स हाउ एवर ऑलवेज ट्राई टू लुक एट थिंग्स इन ए डिटेल्ड वे मान लीजिए आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो प्रिलिम्स इंपॉर्टेंट तो जो है उसको तो पढ़िए ही पढ़िए थोड़ा सा उससे आपका मेन्स परसपेक्टिव भी बनता चला जाए तो बाद के लिए अच्छा होगा ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ प्रिलिम्स 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 वैसे याद भी नहीं हो पाता है आपको जब तक आप मेन्स के परस्पेक्टिव से थोड़ा उसका कंटेंट नहीं पता होता है आपको तो नंबर फाइव गिफ्ट एस्ट सीरीज Giving test, sorry, number seven. Give test series. Giving test series will actually help your uh, you to perform in a stimulated environment and analyze your mistakes. Analyze what you got correct. Analyze what you got correct uh, by guessing.